हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए एक बार फिर से बहुत ही अच्छी गुड न्यूज लेकर आया हूं, और ये गुड न्यूज है मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर निकली हुई टेम्परेरी वर्कमैन यानी TW की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। और साथ में इस वीडियो में बताने वाला हूं, इससे पहले अगर आपने कभी भी मारुति सुजुकी का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और किसी कारणवश रिजेक्ट हो चुका है यानी कि सिलेक्शन नहीं हुई, तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके से नेक्स्ट फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए अच्छी तरीके से वीडियो को सुन लें, ताकि मैं एक एक बात को बहुत ही डीपली आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जी हाँ, मैं हूं सुरेंद्र कुमार, प्लेसमेंट इंचार्ज महाराजा अग्रसेन कॉलेज अबोहर पंजाब से, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्लेसमेंट सेल को, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जिसमें प्रोसेस होगा TW यानी टेम्परेरी वर्कमैन के लिए। जॉब लोकेशन होगी गुड़गांव और मानेसर प्लांट के लिए। ड्यूरेशन टाइम पीरियड होगा 7 मंथ के लिए। इसमें जो सैलरी मिलेगी वो टोटल सैलरी होगी 28,103 रुपए पर मंथ CTC के लिए, टोटल जो सैलरी है वो आपको, और इन हैंड सैलरी मिलेगी आपको 21,599 रुपए पर मंथ। साथ में कंपनी के अन्य बेनिफिट्स भी आपको मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी ITI पास आउट, और ITI पास आउट के लिए ट्रेड कौन कौन सी होगी ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, सर हमारी तो इलेक्ट्रिशियन है, हम क्या करें, फॉर्म के अंदर तो था तो इलेक्ट्रिशियन के लिए एलिजिबल नहीं है। अब आपने कहां से वीडियो देखी, किसकी वीडियो देखी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं वही जानकारी दूंगा जो कंपनी के द्वारा डायरेक्टली हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है और हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने ताकि सही से जानकारी आपको मिल सके। ट्रेड्स होंगी फिटर, वेल्डर, पेंटर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक व्हीकल, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, मैकेनिक ट्रैक्टर, ये सारी ट्रेड्स एलिजिबल हैं। इसके अलावा बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होगी। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी जो कहते हैं जी फॉर्मेट यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर तो ये ट्रेड मेंशन थी, खासकर इलेक्ट्रिशियन वाले, तो इलेक्ट्रिशियन के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। अब अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो किसी भी हालत में आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा ही होगा, आपके पास कोई मैसेज नहीं आने वाला। अब इसके अंदर ITI होनी चाहिए आपकी, NCVT हो चाहे SCVT हो, दोनों के लिए एलिजिबल होगी, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से हैं चाहे प्राइवेट कॉलेज से हैं, दोनों एलिजिबल होंगे, तो कॉलेज का भी कोई इश्यू नहीं है। एज की बात करें तो एज आपकी ज्वाइनिंग डेट तक 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 26 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप 26 क्रॉस करके 27वें वर्ष में जा रहे हैं तो बिल्कुल फॉर्म अप्लाई ना करें, आपके पास कोई मैसेज नहीं आने वाला, तो ये बातें भी कुछ इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, अब वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जिसका नाम है प्लेसमेंट सेल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बने घंटी को भी जरूर दबा लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब इसके लिए आपको लॉगिन क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉगिन करना है, और लॉगिन आईडी है www.marutisuzuki.com/corporate/careers#joinus। तो इस लिंक पर जाकर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दूंगा, आप चाहे तो डायरेक्टली लिंक से उठाकर अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। फॉर्म कैसे अप्लाई होगा कुछ एक बातों का मैं बताने वाला हूं, साथ में एक एक फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है,
उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, तो चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो का लिंक भी देखकर वीडियो को अच्छी तरीके से सुनकर देखकर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म को देखते नहीं, सीधा भरने की करते हैं और फिर गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं और बाद में कहते हैं कि जी हमारे पास कंपनी के द्वारा कोई मैसेज नहीं आया, कोई मेल आईडी नहीं आई, अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, दोबारा फॉर्म अप्लाई करें जो नेक्स्ट टाइम होगा। रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट तारीख है वो होगी 31 दिसंबर 2020 को। इसके लिए जो लोकेशन आपको बताई जाएगी वो आपके पास मैसेज या मेल के द्वारा इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपको मैसेज टेस्ट के लिए कहां बुलाया जाएगा या फिर इंटरव्यू कहां होगी, ये सारी प्रक्रिया मैसेज या मेल के द्वारा मिल जाएगी। अब इसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करने से कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नंबर एक है, आपने जब भी फॉर्म अप्लाई करना है तो कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर ही अप्लाई करना होगा, अपने मोबाइल पर अप्लाई ना करें, फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे आसार है। दूसरा, मेल आईडी वही दें जो आप अच्छी तरीके से चलाते हो, यानी कि वैलिड हो, आपके पास चलती हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेल आईडी कहां कहां से भरते हैं, बाद में कहते जी हमें मेल या कोई मैसेज नहीं आया, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब इसके लिए जब अप्लाई करेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले लिंक पर जाएं, लिंक को जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने जो पेज ओपन होगा उस पर नंबर 4 पर दिया हुआ ITI वर्कमैन हायरिंग के ऊपर एक्सपोज नाउ करना है। जैसे एक्सपोज नाउ करेंगे तो आपके सामने आपसे मांगी जाएगी कि मेल आईडी। अगर आपने मेल आईडी वही भर रहे जो इससे पहले कभी भरी है तो आपका फॉर्म वही शो करेगा जो पिछला फॉर्म आपने अप्लाई किया था। तो अगर आपने इससे पहले कभी भी मारुति का फॉर्म अप्लाई किया है, अगर अब आप मेल आईडी वही फिल करें तो मुश्किल आएगी। इसके लिए क्या करें, तो हमारी वीडियो को जरूर देखते रहें। जैसे आप मेल आईडी को अप्लाई करेंगे, आपके मोबाइल आपकी मेल आईडी के ऊपर एक जाएगा OTP, यानी कि वन टाइम पासवर्ड, उसको कॉपी करके यहां पेस्ट करें और पेस्ट करने के बाद जो पेज ओपन होगा उसमें नंबर 1 पे आपकी खुद की फोटो अप्लाई करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और बाद में कहते जी हमारे पास तो मैसेज नहीं आया, क्या किया जाए, बिल्कुल नहीं आएगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, वो फॉर्म रिजेक्ट ही होगा। पहले आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो, उसके बाद सारे कॉलम्स को एक एक डीपली कॉलम को फिल करना है, कोई भी खाली या ब्लैंक नहीं छोड़ना। अगर उसमें आपके पास कोई जानकारी नहीं है तो आप वहां पे NA यानी नॉट एप्लीकेबल N/A को आपने फिल कर देना है या 00 भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक PDF बनानी है अपने डॉक्यूमेंट्स की। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके 10th के मार्कशीट, +2 है तो +2 की, ITI की जो सारे ट्रेड सारे सेमेस्टर की कॉमन मार्कशीट आती है लास्ट में वो, और उसके बाद लास्ट NCVT का फाइनल मार्कशीट, फाइनल जो सर्टिफिकेट आता है वो, और आधार कार्ड की दोनों तरफ से फोटो। ये सारी की एक PDF बनानी है और PDF को अपने साथ अटैच करना है। मैक्सिमम 6 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, 6 से कम हो चलेंगे, 5 MB से अधिक आपकी फाइल नहीं होनी चाहिए, PDF कम हो बिल्कुल लीजिबल होगा। उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन को आप सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने एक यूजर आईडी दी जाएगी, उसका प्रिंट लेकर अपने पास रख लेना है, भविष्य में आपके काम आने वाला है। तो यह पूरी जानकारी शेयर कर दें सभी तक, ताकि ये इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। अब बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले कभी भी फॉर्म मारुति का अप्लाई कर चुके हैं लेकिन उनका किसी कारणवश रिजेक्ट हो चुका है, तो वो क्या करें, उन्होंने अपना नया फॉर्म अप्लाई करना है और नया फॉर्म में अपनी अपनी मेल आईडी को नहीं अटैच करनी है, कोई नई मेल आईडी बनाकर पुरानी मेल आईडी आपने यूज नहीं करनी, साथ में मोबाइल नंबर भी नया डालना है, पुराना मोबाइल नंबर अटैच नहीं करना, और अपने एड्रेस वगैरह में बहुत सारी चेंजिंग कर देनी है जिससे कि आपको आगे मुश्किल ना आए। तो ये बात
बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, और ये पूरी जानकारी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और खुद भी अच्छी तरीके से सुनें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, हम आपके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, हमें भी खुशी होगी अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे तो हमें लगेगा आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं और देखते भी हैं। इसी तरीके से हम और भी बहुत सारी जॉब की इंफॉर्मेशन आप तक लेकर आते रहेंगे। तो ये है पूरी जानकारी। फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल आए तो आप हमारे इस नंबर पर जो स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो हमारा नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पर आपको कॉल करने का, मैसेज करने का सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही करें, इसके अलावा किसी समय कॉल ना करें, क्योंकि हमें भी अपने पर्सनल लाइफ में रहना है। अगर आपके पास इस समय कॉल करने का समय नहीं है तो माफ करें, फिर आपके लिए जॉब करने का कोई चांस नहीं है, फिर आपको जॉब की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमने अभी वीडियो देखी थी और आपको कॉल करी, तो भाई सुबह कर लेनी, इतनी कौन सी मुश्किल हो रही है, कौन सा भागे जा रहा हूं मैं। तो प्लीज दिन में कॉल करें, हम आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आएंगे और करते रहेंगे, पर प्लीज आप इसलिए कोऑपरेट करें। तो यह पूरी जानकारी। जय हिंद, वंदे मातरम।